मरना तो तय है, लेकिन कुछ करके मरना है, एक जुनून था, एक ये यूनिफॉर्म की पावर थी जो ये सब करवा रही थी मुझसे। हम लोग तो, मेरे मामा और मैं तो ऐसे रेडी थी कि कसब अगर आएगा तो हम लोग फॉर्मेलिन या नॉर्मल सलाइन बॉटल फेंक के भी उसको मारेंगे। जो आवाज आ रहा था ग्रेनाइट का, गन का, सब वही टाइम पे गोलीबार बहुत जोर जोर से आवाज आना, वही टाइम पेशेंट के डिलीवरी हो गई। बहुत अच्छी तरह से संभाला, सबको बीच में लिया, उनको धीरज बढ़ाया उनका कि बाबा कुछ होने वाला नहीं, तुम डरो नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। बस हमारे इस एक सेंटर पे पेशेंट थे रात भर। छब्बीस ग्यारह की उस रात को हम हमेशा की तरह ड्यूटी पे आए थे और इस बारे में हमें मालूम नहीं था कि टेररिस्ट अटैक वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमेशा की तरह हम ड्यूटी पे आए थे, 8 से 8 हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। और उस दरमियान जब हम ड्यूटी पे ज्वाइन हुए तो हमें मैसेज मिला फ़ोन से कि CST स्टेशन पर फायरिंग हो रही है करके, तो उसके लिए आपको इमरजेंसी तैयारी रखनी है। उसी दरमियान मुझे 9:30 के दरमियान फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं खिड़की की तरफ भागी, तो मैंने देखा कि 2 टेररिस्ट आगे भाग रहे थे और अपने पुलिस जो है वो पीछे से फायरिंग कर रही थी। हम लोगों ने खिड़की से देखा तो मेरे साथ मेरी एक सर्वेंट थी हीरा जाधव और एक मेत्रानी थी मधु चौहान करके। हम तीनों पेशेंट को लेने के लिए बाथरूम में गए, बाथरूम की खिड़की से हम लोगों ने देखा कि वो टेररिस्ट जो है वो गेट से छलांग लगाकर अंदर आ चुके थे। और जैसे ही मेजॉरिटी में हम लोगों को देखा तो उन्होंने 2 फायर कर दिए। तो पहले फायर में तो लाइट वगैरह चली गई, सेकंड फायर में मेरी सर्वेंट जो है हीरा जाधव उसको गोली लग के गई। तो मैंने देखा मेन गेट के ऊपर ही 2 फायर किए थे उन्होंने, दोनों वॉचमैन उनको फायर किए थे। तो ये सब देख के मैं भाग कर अपनी वार्ड में आ गई, मेन गेट बंद किया और फिर सभी अपनी 20 पेशेंट थे उस रात को मेरे साथ, प्रेग्नेंट वुमन थी, तो वो सभी पेशेंट को मैंने अपने पैंट्री में शिफ्ट किया और वो 10x10 के रूम में 20 पेशेंट को लेके मैं वो रूम में थी। पेशेंट काफ़ी डरे हुए थे, रो रहे थे, कोई फ़ोन पे बात कर रहे थे रिलेटिव्स को कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है तो आप आके लेके जाओ वगैरह। और फिर वो लोगों को मॉरल सपोर्ट दिया मैंने और फ़ोन स्विच ऑफ करने को बोले। पुलिस आने की वजह से टेररिस्ट ऊपर भागने लगे और पुलिस आ गई थी तो ये सब 5 माले पे ऊपर तक गए और उनके फायरिंग दोनों साइड से चल रही थी। टेररिस्ट हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे थे और हैंड ग्रेनेड फेंकने की वजह से जैसे कि अर्थक्वेक होने के बाद जैसे हादसा होता है, मीन्स इमारत ऐसे हिलने लगी, तो ये सब ऐसी सिचुएशन में ये तो तय था कि कल की सुबह हम देख नहीं पाएंगे। तो अभी ये जो वक्त है ये मेरा वक्त है और इसमें मुझे जो करना है वो मुझे करना है, क्योंकि मरना तो तय है लेकिन कुछ करके मरना है। एक जुनून था, एक ये यूनिफॉर्म की पावर थी जो ये सब करवा रही थी मुझसे। फिर पेशेंट को मॉरल सपोर्ट दिया मैंने, ये हाइपरटेंशन की जो पेशेंट थी उसे, और फिर उसे मैंने लेबर वार्ड में शिफ्ट करना मुनासिब समझा क्योंकि डॉक्टर नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बोला ऐसी फायरिंग में मैं नीचे नहीं आ सकती। और ऐसे पेशेंट की अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती तो मैं कर लेती, लेकिन सीवियर हाइपरटेंशन की जो पेशेंट थी उसे पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत थी, तो ऐसे में मैंने उसे पेशेंट को शिफ्ट करना मुनासिब समझा। और फिर मैंने फ़ोन पे इन्फॉर्म किया कि मैं पेशेंट को लेके लेबर वार्ड में आ रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। फिर पेशेंट को मॉरल सपोर्ट देके मैं
स्टेयरकेस से मैं उसका हाथ पकड़ के मैं आगे और वो पीछे, ऐसे हम लोग दीवार को ऐसे चिपक के जाने लगे, क्योंकि थोड़ा भी अगर हम हिलते तो कोई भी गोली किसी को भी ये कर देती थी। तो ये एक टेंशन था मुझे कि गोली भले मुझे लगे लेकिन पेशेंट को लगेगी, तो वो मेरे लिए इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ तक पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, तो ये सोचकर मैंने पेशेंट को मैं आगे थी और पेशेंट को हाथ पकड़ कर मैं दीवार को सटक के ले गई। वो टाइम मेरे वार्ड में दो पेशेंट थे और एक पेशेंट को तुरंत डॉक्टर भी साथ थे मेरे उधर, तो डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को अभी डिलीवरी मतलब होने वाली है, उसको लेबर रूम में शिफ्ट करो। तो तुरंत हम लोग ने फिर 10:45 अंदाज से लेबर वार्ड में शिफ्ट किया पेशेंट को, और पेशेंट वो 10:15 पेशेंट डिलीवर हो गई। और वही टाइम मतलब जो आवाज़ आ रहा था ग्रेनाइट का, गन का, सब वही टाइम पे गोलीबार बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आना, वही टाइम पेशेंट की डिलीवरी हो गई। लेकिन भगवान के अच्छे से कि पेशेंट को अच्छी डिलीवरी हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बच्चा भी अच्छा मतलब कुछ बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं आया। तुरंत हम लोग ने फिर बच्चे को लेकर हम लोग सब डॉक्टर भी साथ थे, सब लोग नीचे बैठ गए, हम लोग पेशेंट बच्चा सब तुरंत वही डिलीवरी होने के बाद तुरंत साथ में लेके नीचे बैठ गए गोद में ऐसा। और पेशेंट को कुछ बताया भी नहीं कुछ क्या होएगा, लेकिन हम लोगों को मालूम हो गया था कि एक सीरियस, हाँ नहीं बताया क्योंकि पेशेंट को बताया तो पेशेंट उसको कुछ भी तो बीपी बढ़ जाता है, कुछ उसको तकलीफ़ हो जाएगी, इसके लिए कुछ नहीं बताया। खाली हम साथ में लेके बैठे बच्चे को उसके गोद में दिया, दूध पिलाने को बोले, मतलब बच्चा रोना नहीं चाहिए, और सब लाइट भी सब ऑफ़ किए बंद किए, और सब मौसी मामा सब हम अंदर लेबर रूम में ही सब बैठे एक साथ। उसके आदमी ने ना कि मुझे आके अप्रिसिएशन का लेटर दिया था, और उसका छोटा एक बड़ा लड़का भी था और उसका देवर था, वो दोनों रिश्तेदार को हम लोग ने अंदर लिया लेबर वार्ड में। इसके लिए उन्होंने दूसरे दिन आके मतलब दूसरे दिन हम लोग दो दिन तो नहीं आए, बाद में आने के बाद ना उन्होंने लेटर दिया मुझे, हाँ उनकी भाषा में तमिल वो कुछ थे ना मद्रासी में, तो दिया लेटर कि आप रहते आप थे, आपने अंदर लिया मेरे बच्चे को, सर मतलब हम सब लोग ने लिया जो साथ में थे ना। 1:30 डिलीवरी हो गई, वो भी पेशेंट सिक्योरिटी गार्ड लेके आए उसको अंदर, वो तुरंत हम लोग ने भी पेशेंट को अंदर लिया, वो भी तुरंत डिलीवरी हो गई पेशेंट, दो डिलीवरी हो गया उस दिन। एट दैट टाइम वो डॉक्टर ऊपर से पीडियाट्रिक वार्ड है 3rd फ्लोर में, वहाँ से नीचे आए और बोले टीवी देखा तो बोले CST में फायरिंग हो गई। तभी हमको सब पता चला कि ऐसे ऐसा फायरिंग हो रहा, मतलब उन्होंने ही न्यूज़ दिया डॉक्टर ने। तो फिर हमने तब सब इमीडिएट सब खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर लिए, वार्ड को 2 दरवाजे सामने और पीछे एग्जिट वाला, तो सब उस टाइम पे थोड़ा कड़ी का भी प्रॉब्लम था, तो सब हमने हेवी ट्रॉलीज एक्सरे मशीन सब लगा के दोनों दरवाजे पैक कर लिए, क्योंकि एट दैट टाइम सब लोग काम ही कर रहे थे, डॉक्टर्स भी कुछ कर रहे थे, सर्वेंट भी कर रहे थे, और हम लोग भी फिर एक साइड से जहाँ से गोली अंदर आई थी वो बाद में पता चला गोली अंदर आई थी, वहाँ पे मदर रूम है, वहाँ पे मदर्स रहती है, और वो साइड पेशेंट भी है, क्यूबिक भी है, तो सबको एक साइड में ले लिया पूरा, और वो साइड पूरा लेफ्ट साइड का पूरा बंद कर दिया हमने, ब्लैकआउट कर दिया। फिर एक साइड में हमने सब पेशेंट्स को केयर ली, ICU है इसके लिए हम कुछ बंद कर नहीं सकते थे, लाइट भी 1-2 चालू था, फीडिंग भी चालू था 2 आवर्स, सब NICU मतलब नियोनेट्स का ICU छोटे बेबीज़ का, तो वहाँ पे 10 बेबीज़ थे, एक वेंटिलेटर भी था, तो हमने फीडिंग्स इंजेक्शन मेडिसिन सब दे दिया, मदर्स को भी सपोर्ट लिया, सब मदर को एक ही क्यूबिक में नीचे गद्दे डाल के सबको एक ही साइड में रख दिया, और ICU एक गोली आई थी। NICU का सेटअप ऐसा है कि मतलब कमर तक पूरा कांच है और नीचे फिर दीवार है, तो एक साइड से गोली आई थी तो कहाँ से भी गोली आ सकती थी, इसके लिए हमने सब ने नीचे झुक झुक के ही काम किया, और बच्चे के बैसिनेट भी नीचे निकाल के बैठ के फीडिंग दिया, जैसे नाक से नली डाल के फीडिंग देते ना वैसे। हम लोग जैसे काम चालू था रूटीन काम 12:30 ना, पीछे के दरवाजे से दूर से धक्का लगा, तो जैसे एक्सरे मशीन के व्हील रहते हैं, ट्रॉली के व्हील रहते हैं, वो सब आगे गए, तो हम लोग को लगा शायद ऊपर से टेररिस्ट आए, तो हम लोग को अभी सब मरने ही वाले हैं, क्योंकि 6-7 डॉक्टर भी थे उस टाइम पे, तो लेकिन वो आए और इंजुरीज थे, वो सडनली नीचे गिर गए,
तो हम लोग ने फिर उनको लिया और सामने सब डॉक्टर्स और हम लोग सब बैठ के उनको ड्रेसिंग किया। उनके डॉक्टर थे इंस्पेक्टर थे अशोक शिंदे, उनका भी शूज़ वगैरह निकाल के उनको गोली लगी थी, तो उनका भी पूरा ड्रेसिंग किया। जज्बा मतलब अपने ड्यूटी है, वो कुछ अलग नहीं है, ड्यूटी तो करना ही है। और एक बार हम लोग यूनिफॉर्म पहनते तो हम लोग दूसरों के लिए रहते हैं, तो हिम्मत तो पकड़नी है अपने को, क्योंकि सब पेशेंट्स और सब अपनी तरफ ऐसे सब देखते हैं, तो हमको तो खड़ा रहना ही है, उसके लिए फाइट तो करना पड़ेगा। हम लोग तो, मेरे मामा और मैं तो ऐसे रेडी थी कि कसब अगर आएगा तो हम लोग फॉर्मेलिन या नॉर्मल सलाइन बॉटल फेंक के भी उसको मारेंगे, उतना तक हम लोग ने ये किया था। जो तो हुआ नहीं, वो तो AK-47 था, हम लोग को चांस भी नहीं मिला होगा, लेकिन ऐसे बातें हम लोग कर रहे थे कुछ तो फाइट करेंगे। कसब आया तभी आए बराबर, उसने दो वॉचमैन को गोली उड़ा दिया और तो डेड बॉडी हमारे सामने, यहाँ से हम लोग देख रहे। फिर पेशेंट देख रहे, तो पेशेंट को क्या किया मैंने, पूरा इधर ही ऐसा मिडल में ले लिया, क्योंकि वो किधर भी फायरिंग कर रहा था, कि उसको समझ ही नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल है क्या, लोग रहते हैं, रेसिडेंस है, कुछ उसको समझ में नहीं आया, तो फायरिंग कर। फिर वो दो वॉचमैन पहले उसने शूट किया, फिर हम लोग बहुत डर गए, इतना डर लगा कि बोला अभी हमारी तो ये नाइट लास्ट है, बस कल का दिन तो हम देख ही नहीं पाएंगे। 9:30 to 3 AM कसब यहाँ पे था, पुलिस भी जख्मी हो रहे थे, पुलिस आए, फिर पुलिस जब पुलिस आए तब कसब 6th फ्लोर पे था, वो फायरिंग चल रहा था, रात भर उसका ऐसा ही चल रहा था। लेकिन ये भी मेरे को बताना ज़रूरी है, उस रात को 15 नर्सेस ड्यूटी पे थी, 15 नर्सेस ऑन ड्यूटी थी, एंड 15 नर्सेस और सर्वेंट्स। बाद में एक ये हो गया कि हमने कोई भी पेशेंट को तकलीफ नहीं पहुँचे, कुछ भी होने नहीं दिया, ऐसा सबको संभाल के लिया ना, सबको धीरज बढ़ाया उनका कि कुछ नहीं होने रहा, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे।